मौजूद हो मेरे साथ आगरा ग्वालियर रोड पर, आप मेरे साथ देख सकते हो तस्वीरों में किस प्रकार युवाओं में चीन के खिलाफ जोश बरकरार है। युवाओं ने चीनी सामान की ग्वालियर रोड स्थित एटोरा चौराहे पर होली जलाकर चीन के खिलाफ भारी आक्रोश प्रकट किया है और सेना को श्रद्धांजलि दी है। चोप सिंह सक्सेना, आगरा। मैं महेश सिसोदिया, जिला अध्यक्ष अखिल भारतीय छत्री महासभा पणजी से, हमारे सभी कार्यकर्ताओं भारी रोष है चीन के खिलाफ। हम चीनी आइटम का सबका बहिष्कार करते हैं और सभी लोगों से गुजारिश भी करते हैं कि चीनी आइटम बंद किया जाए। जो हमारे सैनिकों LAC पे जो सैनिकों के साथ बर्बरता की गई है उसमें भारी रोष है हम लोगों में। मेरा नाम ब्रजेश बारासर है। ये मामला ये है, चीन ने जो कृत्य किया है हमारे सैनिकों के साथ, जो अमानवीय घटना की है, जो चीन ऐसी गलत घटना कर रहा है, खाता हमारे देश से है, कमाता हमारे देश से है, उसकी जो चीन की इकोनॉमी बढ़ी हुई है वो हमारे देश से बढ़ी हुई है, उसके बाद उसने जो ये दुस्साहस किया है उसे हमारे सैनिक, हमारे देशवासी, हिंदुस्तानी माफ नहीं करेंगे। उसे जवाब देंगे, ईंट से ईंट बजाएंगे, चीन को सबक सिखा के छोड़ेंगे। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री का भी कहना है कि हम उसे सबक सिखाएंगे। आज का क्या प्रोग्राम है? आज हमने शी जिनपिंग, चीन के राष्ट्रपति का पुतला दहन किया और कैंडल मार्च निकाला और हमने उसका भरपूर जोर तरीके से उसका विरोध दर्ज कराया है। मेरा नाम अमन शर्मा है और आज का जो हमने आज होलिका दहन किया है वो हमने चीन के जो राष्ट्रपति हैं और क्या कहते हैं उनका जो सामान है उनके बहिष्कार किया है। और जो हमारे हुए लद्दाख में जो हमारे 20 सैनिकों को गलती से जो उन्होंने शहीद हुए हैं, हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं और उनके लिए कैंडल मार्च निकाला जाता है और हम पूरे देशवासियों को सूचित करते हैं चीन के सामान का बिल्कुल प्रयोग ना करें। और जितने भी लोग हैं हमारे साथ, आगे भी जितने भी होंगे, हम उनसे हमेशा कहते आएंगे चीन का सामान ना ही लें और ना ही अपने बच्चों को, ना ही किसी बड़े बूढ़ों को उपयोग करने दें। जो भी हमारे चीन के राष्ट्रपति ने हमारे देश पर हमला करवाया है हम उसका ईंट और पत्थर से जवाब देंगे। मोदी जी ने यही कहा है, चीन का जो सामान है वो बिल्कुल ना लें। चीन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हम